तो कहानी शुरू होती है 2008 में, जहां पे पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस की तलवार लटक रही थी, जिसे रीपर वायरस कहा जाता है, क्योंकि इंसान जैसे ही इस वायरस की चपेट में आता है, कुछ ही मिनटों में मरीज के शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, उसे खून की उल्टियां होती हैं और देखते ही देखते वो मर जाता है। ये वायरस हवा में फैलने के कारण पूरा स्कॉटलैंड उसके चपेट में आ गया था। स्कॉटलैंड ये देश यूके का ही एक पार्ट है, इसीलिए इस हालत को देखते हुए यूके ने स्कॉटलैंड के आर पार पूरी 30 फीट की एक दीवार बांध के उसे पूरी तरीके से दुनिया से अलग कर दिया, ताकि ये वायरस पूरी दुनिया में ना फैले। लेकिन जो लोग बीमार नहीं थे, इन्फेक्टेड नहीं थे, उन्हें भी इसी दीवार के अंदर ही रहना पड़ा। ना चाहते हुए भी वो लोग इन्फेक्टेड हो गए और इस दीवार के आर पार पूरी आर्मी तैनात की गई, ताकि कोई भी निकल ना पाए। ऐसे ही हालात में लोग काफी गुस्सा थे और इस दीवार से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम एक माँ को देखते हैं जो अपनी छोटी बेटी को इन लोगों से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे जैसे ही आर्मी के कुछ लोग दिखाई देते हैं, वो उनसे मिन्नतें करने लगती है कि मुझे मत बचाओ, लेकिन मेरी बेटी को लेके जाओ, वो इन्फेक्टेड नहीं है। सेना का एक जवान उस बच्चे के खातिर खुद चौपर से उतर जाता है और उसकी जान बचाता है। लेकिन तभी लोगों का झुंड वहाँ पे पहुँच जाता है उन्हें मारने के लिए। ये देखते हुए वो चौपर उस बच्ची के साथ निकल जाता है। वो औरत और जवान वहीं पे रह जाते हैं और सारे लोग उन्हें मारने लगते हैं। और इसी तरह सारे मरीजों को स्कॉटलैंड के अंदर ही तड़पने के लिए छोड़ दिया था, बिना किसी के दवाई, खाना पीना, मोबाइल के, यहाँ तक कि कोई फ्लाइट को भी स्कॉटलैंड के ऊपर से जाना अलाउड नहीं था। तो दीवार के इस पार लोग खाना पीना ना होने के कारण काफी अग्रेसिव होने लगते हैं, एक दूसरे को ही मार रहे थे, औरतों के ऊपर रेप कर रहे थे। स्कॉटलैंड की पूरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी और दुनिया भर के बाकी देशों या फिर यूएन के दखल अंदाजी करने पर भी यूके ने रोक लगाई थी। और इसी पूरी हालत को देखते हुए बाकी देशों के साथ यूके के संबंध खराब होने लगते हैं और इसी कारण से यूके की इकोनॉमी में भारी मात्रा में गिरावट आती है, बेरोजगारी बढ़ती है और लोग काफी परेशान होने लगे थे और एज अ देश यूके डूबने लगता है। अब इस सिचुएशन को 27 साल बीत गए थे, दीवार के उस पार लोग जिंदा भी है या नहीं कुछ पता नहीं था। यूके और बाकी देशों को तो यही लग रहा था कि ये वायरस स्कॉटलैंड में ही पैदा हुआ और वहीं पे खत्म हुआ होगा। लेकिन अचानक से लंदन में कुछ लोग रूटीन चेकअप के दौरान रीपर वायरस से इन्फेक्टेड मिलते हैं। अब इसी बात के कारण यूके के प्राइम मिनिस्टर जॉन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में यही डिसाइड होता है कि ये वायरस का स्प्रेड रोकने के लिए सेंट्रल यूके में अब मार्शल लॉ अप्लाई किया जाएगा, जहां पे लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, यानी कि स्कॉटलैंड जैसी ही सिचुएशन होगी। मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर जॉन और उनका खास आदमी माइकल नेल्सन को एक खास कॉन्फिडेंशियल फुटेज दिखाता है। 27 साल पहले स्कॉटलैंड को लॉक कर दिया गया था, तब वहाँ पे क्या चल रहा है ये देखने के लिए इन्होंने एक सैटेलाइट स्कॉटलैंड पे रिडायरेक्ट किया था। इसी सैटेलाइट के जरिए माइकल को पता लग जाता है कि हाल ही में स्कॉटलैंड में, जहाँ पे सबको लगा था कि सारे लोग मारे गए थे, वहाँ पे अभी भी लोग जिंदा थे। इसी का मतलब है स्कॉटलैंड में कोई ना कोई क्योर है, जिसके कारण लोग रीपर वायरस से बच गए हैं। अब ये क्योर कैसे भी यूके के प्राइम मिनिस्टर जॉन को चाहिए था, इसीलिए वो नेल्सन को उसकी एक टीम स्कॉटलैंड भेजने के लिए कहते हैं, ताकि वो वहाँ के मेडिकल रिसर्चर्स डॉक्टर केन को ढूंढे। जब 27 साल पहले वायरस ब्रेकआउट हुआ था, तब डॉक्टर केन स्कॉटलैंड में ही क्योर ढूंढ रहे थे, लेकिन डॉक्टर और उसके मेडिकल टीम को भी रेस्क्यू करने के बजाय गवर्नमेंट ने वहीं पे क्वारंटीन कर दिया था। और अब पीएम को लगता है कि शायद डॉक्टर केन ने कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया है इस वायरस का, इसीलिए उनसे ये क्योर लाना है। इसीलिए नेल्सन अपनी टीम बनाता है, जिसमें वो मेजर ईडन को भेजने वाला था। ईडन ये वही लड़की थी जिसे स्टार्टिंग में आर्मी ने बचाया था। अब ईडन तैयार हो जाती है और वो वॉल के आर्मी के बेस कैंप में पहुंच जाती है, जहां पे वो अपने बाकी टीम से मिलती है, जिसमें सार्जेंट नॉर्टन, डॉक्टर स्टिरलिंग और बाकी कई लोग थे। उसी रात ये लोग दो बड़े टैंक से दीवार के उस साइड निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते इन्हें कोई भी नहीं मिलता सिवाय जानवरों के। अब ये लोग डॉक्टर केन के लास्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे उनकी लैब थी। आधे लोग लैब देखने के लिए जाते हैं और दो लोग टैंक में रुकते हैं। तभी टैंक के बाहर अचानक से कोई अनजान लड़की अधमरे हालत में खड़ी दिखाई देती है, इसलिए एक जवान बाहर पड़ता है उसे बचाने के लिए और वो उसके ही हाथों में बेहोश हो जाती है और उसे वो टैंक में लेके आता है और अपने टीम को इंटीमेट करता है। तो यहाँ पे ईडन और बाकी लोगों को डॉक्टर केन या फिर कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो वापस लौट ही रहे थे। लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते भारी संख्या में अजीब से लोग वो पूरी तरीके से घेर लेते हैं। इनकी काफी लड़ाई होती है, लेकिन इनका बचने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए सार्जेंट नॉर्टन और डॉक्टर स्टर्लिंग एक दूसरी दिशा में भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे अंदर बेहोश लड़की भी होश में आके सारे लोगों को मार देती है और आखिरी में ईडन और डॉक्टर टैलबोट ये लोग उन जंगली लोगों के हाथों पकड़े जाते हैं। ये लोग और कोई नहीं बल्कि कैनिबल्स थे। जब स्कॉटलैंड के लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया था, तब लोग काफी अग्रेसिव होने लगे थे। खाने के लिए उनके पास सामान नहीं था,
इसीलिए वो लोगों का ही शिकार करने लगे थे। इसका नतीजा यही हुआ कि इन आगे की जनरेशन भी वैसे ही पैदा हुए जो इंसानों को ही खाते थे। इनका लीडर था सोल। सोल को डॉक्टर केन ने यही बताया था कि दीवार के उस पार कोई भी दुनिया नहीं है और उनके पाप की सजा उन्हें दीवार के इस पार रह के ही काटनी है। उन्हें डॉक्टर केन के सारे रूल फॉलो करने हैं। लेकिन सोल जैसे जैसे बड़ा होते गया उसे पता था दीवार के उस पार भी लोग रहते हैं जो कि आजाद हैं। और आज ईडन से इस बात की उसे पुष्टि होती है कि दीवार के उस साइड भी दुनिया है। उसके पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी और वो अपने सेना में ऐलान कर देता है कि वो इंग्लैंड पे बहुत जल्द ही कब्जा करने वाला है। अब इसके पास सैक्रिफाइस सेरेमनी होती है जहाँ पे डॉक्टर टैलबोट को जिंदा जलाया जाता है और उसके बाद बाकी के लोग उसे पकड़ के खाते हैं। सैक्रिफाइस सेरेमनी के बाद ईडन के लिए खाना लाया जाता है। काफी चालाकी से उस इंसान को पकड़ती है और उससे चाबी मांग के सलाखों का दरवाजा खोलती है। वहां से लोगों को मार के वो भाग ही रही थी लेकिन तभी वहां पे उसे दूसरी कैदी मिलती है जिसका नाम कैली था। कैली उसे बताती है कि मैं तुम्हें डॉक्टर केन के पास लेके जाऊंगी, वो अभी भी जिंदा है। ये सुनने के बाद वो कैली को आजाद करने के लिए जाती है लेकिन तभी सोल की पार्टनर वाइपर वहां पे आ जाती है और इन दोनों की काफी घमासान लड़ाई होती है। लेकिन ईडन वाइपर को मार गिराती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है और फिर वहां से वो कैली के साथ भागने लगती है। उसे अपना सामान मिलता है और वॉकी टॉकी से वो अपने टीम मेंबर्स को कॉन्टेक्ट करती है। ये मैसेज नॉर्टन और स्टिरलिंग सुन लेते हैं, ट्रेन के पास के ही प्लेटफॉर्म में बुलाती है। लेकिन तब तक सोल और उसके लोगों को पता चल गया था कि ये कैदी भाग गए हैं, इसीलिए वो सारे लोगों को लेकर उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। अब यहाँ पे आगे जाने के बाद कैली को उसका एक और साथी मिलता है और कैली उसे एक ट्रेन चालू करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे ट्रेन शुरू हो जाती है और देखते ही देखते दोनों भी आ जाते हैं। काफी सारे लोग थे, उन्हें कैसे तैसे बचाने के लिए ईडन ट्रेन से नीचे आ जाती है और उन दोनों को भी बचाती है और आखिरी में खुद भी ट्रेन में आ जाती है। ये सारे लोग सोल के चंगुल से बाहर आए थे और सोल यहाँ पे गुस्से में आग बबूला होता है। अब यहाँ ट्रेन में कैली उन्हें बताती है दरअसल वो और सोल भाई बहन हैं और वो दोनों भी डॉक्टर केन के बच्चे हैं। वो आगे बताती है कि केन को खुद यहाँ का लीडर बनना था इसीलिए वो सबको मार्शल लॉ फॉलो करने के लिए कहता था। इसीलिए सोल गुस्से में वहां से निकल गया और खुद की अलग आर्मी उसने बनाई। तो यहाँ पे दूसरी जगह लंदन में ऑलमोस्ट सारे लोग इन्फेक्टेड होने लगे थे था इसके कारण लोग बहुत ही भड़क गए थे और देखते ही देखते पूरे शहर में दंगे शुरू हुए। ये देखते हुए बड़े बड़े पॉलिटिशियन जैसे प्राइम मिनिस्टर लंदन से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अचानक से उनके ऑफिस में भी इन्फेक्टेड लोगों का हमला हो जाता है। लेकिन इसी में एक इन्फेक्टेड इंसान का खून प्राइम मिनिस्टर के पूरे शरीर पे लग जाता है, इसीलिए उनका जो खास आदमी था माइकल वो उन्हें अलग रखने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जॉन को पता था कि पूरे देश की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो सुसाइड करते हैं और खुद को गोली मारते हैं। अब ये देखते हुए माइकल टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। यहाँ पे माइकल के इरादे नेक नहीं थे, उसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस इस सिचुएशन से भी पैसे कमाने थे। यहाँ पे दूसरी जगह ईडन और उसका ग्रुप ट्रेन से एक लोकेशन पे चले आते हैं लेकिन अचानक से घोड़े पे सवार कुछ सैनिक इनके ऊपर हमला करते हैं और इन सबको पकड़ते हुए एक बड़े से अजीब कैसल में लेके जाते हैं। ये कैसल यहाँ के लोग उनका पहरा मानो ये लोग मध्ययुगीन समय में जी रहे थे, जिसे देख ईडन काफी हैरान हो जाती है और आगे इन्हें पता चल जाता है कि इन लोगों का राजा और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर केन है। उसी ने ये राज्य बनाया था और मध्ययुगीन समय की तरह सारे लोग उसी के कहने पे रह रहे थे। इन सबको केन के सामने लाया जाता है और वो कहती है कि यहाँ आने का उसका मकसद यही है कि रीपर वायरस लंदन में वापस लौट आया है। उन्हें स्कॉटलैंड में लोगों की हलचल दिखाई दी इसीलिए ईडन क्योर ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है। ये देख हंसते हुए केन कहता है कि मुझे पता था उनकी सैटेलाइट हम पे नजर रखे होगी, इसीलिए मैंने एक ऐसा लोकेशन चुना जिससे हम इतने सालों से छुपे हुए थे। मैंने यहाँ पे अपना एक राज्य बनाया था और हम लोग खुशी से यहाँ पे रह रहे, तुम लोगों को यहाँ आना ही था। ये सुनके ईडन गुस्सा हो जाती है कि तुम एक डॉक्टर थे, इस जगह पे वायरस नहीं है यार, तुमने क्योर ढूंढा है और सेल्फिश की तरह तुमने अपने ही लोगों को क्योर दे के पूरी दुनिया से उसे छुपा के रखा है। ये सुनते ही केन काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है ये जिंदगी मैंने नहीं चुनी है, 27 साल पहले गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे कैद कर दिया था, ना चाहते हुए भी बिना खाने के हमें यहाँ पे तड़पने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पे कोई क्योर नहीं है। तुम जिन लोगों को जिंदा देख रही हो वो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इसलिए आज वो जिंदा है। ये कह के वो सबको जेल में डाल देता है। अब अगले दिन इनको सजा मिलने वाली थी, इसके पहले केन ईडन के पास आता है और उसे पूछता है दीवार के उस पार की दुनिया कैसी है। तो
वो कहती है कि तुमने जैसे लास्ट टाइम देखी थी वैसी ही है, कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ वक्त अलग है। ईडन उसे पूछती है कि तुम एक जमाने में डॉक्टर थे और आज तुम भूतकाल में रह रहे हो, क्यों? तो केन कहता है, जिस दिन गवर्नमेंट ने सारे गेट बंद कर दिए थे उस रात मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो गए थे। तब से मैंने दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दिया था। अब इनके सजा का वक्त था, इसीलिए वो अपने शक्तिशाली सेनापति से ईडन की लड़ाई करवाता है, जिसमें ईडन हारने लगती है और वो मरने ही वाली थी। लेकिन तभी ईडन के जो बाकी के साथी थे वो काफी चालाकी से जेल से निकलते हैं। जाते वक्त वो अपना सामान लेते हैं और उन्हें कुछ बॉम्ब मिलते हैं जिससे वो पूरे कासल में ब्लास्ट करते हैं। निकलते हुए वो ईडन को भी बचाते हैं। आगे ईडन, नॉर्टन, स्टिरलिंग और कैली चारों वहाँ के घोड़े लेके भागते हैं। उनके पीछे केन की सेना थी, लेकिन इन्हें आगे वही शेल्टर मिलता है अंडरग्राउंड एरिया में, जहाँ आर्मी का बेस हुआ करता था। ये लोग वहाँ जाके छुपते हैं, लेकिन सेना वो दरवाजा तोड़ने लगती है तो अंदर ईडन को फैसिलिटी में एक ब्रांड न्यू बेंटली की कार और कुछ सैटेलाइट फोन मिलते हैं। कैसे तैसे ये लोग उस कार को चालू करते हैं तो नॉर्टन बाहर ही रुका था ताकि वो फैसिलिटी का जो मेन गेट है उसे बंद करने की कोशिश करें। लेकिन तभी केन की सेना दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है और इनके ऊपर हमला करने लगती है। देखते ही देखते नॉर्टन मारा जाता है। ये देख ना चाहते हुए भी ईडन कार लेके कैली और स्टर्लिंग के साथ निकल जाती है। रास्ते में सैटेलाइट फोन से ईडन नए प्राइम मिनिस्टर माइकल को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उन्हें क्योर मिल गया है और हमें ट्रैक करके यहाँ से रेस्क्यू कर लो। माइकल मान जाता है। तो यहाँ पे फिर तीनों भी कार से निकल ही रहे थे तभी अचानक से सोल के लोग इनके ऊपर हमला करते हैं। ये चारों तरफ से इनके ऊपर हमला होता है। सोल के आर्मी ने हर तरह से इनको फंसाने के लिए जाल बिछा के रखे थे और सोल इनके कार में आके ईडन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईडन मौका देख के उसे कार से बाहर फेंकती है। लेकिन वो फिर भी कैसे तैसे कार के ऊपर आ जाता है। लेकिन आगे एक बस थी जिसमें ब्लास्ट होके वो मारा जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। तीनों भी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद ही प्राइम मिनिस्टर माइकल उन्हें लेने के लिए आता है। ईडन कैली को सामने लाते हुए बताती है कैली वायरस से इम्यून है, इसके ब्लड से वैक्सीन बना सकते हैं। लेकिन माइकल हंसते हुए कहता है जितना ज्यादा वेट करेंगे उतना ज्यादा ही प्रॉफिट होगा, यानी उसे वायरस पूरे दुनिया में फैलाना था ताकि वैक्सीन बना के वो प्रॉफिट कर सके। ईडन को उसके इरादे पहले से ही पता थे, इसीलिए उसने एक रिकॉर्डिंग ऑन की थी। माइकल कैरी और स्टर्लिंग को लेके जाता है, लेकिन ईडन वापस आने से मना करती है क्योंकि उसे पता था बाहर की दुनिया काफी करप्ट है और ये दुनिया भले ही दीवार में कैद है लेकिन खुली सांस ले सकती है वो यहाँ पे। अब यहाँ कैली अपने पुराने घर आती है अपनी माँ की तलाश में, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता और वो बचपन में अपने माँ के साथ का फोटो देख के रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे उसका सीनियर नेल्सन आ जाता है। ईडन उसे कनारिस का प्लान बताती है और उसके रिकॉर्डिंग की चिप देती है जिससे वो उसका पोल दुनिया के सामने खोल सकता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी देर के बाद ये रिकॉर्डिंग पूरे कंट्री में ब्रॉडकास्ट कराता है जिसके कारण माइकल का करियर डूब जाता है। अब मूवी के आखिरी में ईडन एक फियरलेस लीडर की तरह सोल का कटा हुआ सर लेके उसके आर्मी के सामने आती है और कहती है अगर तुम इंसानों के लिए इतने भूखे हो तो अपने ही लीडर को काट खाओ। ये सुनते ही सारी आर्मी ईडन के बहादुरी के लिए उसे चेयर करने लगती है और उसे अपना नया लीडर एक्सेप्ट करते हुए ये मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।